और अब बात करते हैं रीवा की, जहां सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद चंद्रमण त्रिपाठी, सौदामिनी सेवा संस्थान के संस्थापक मनु त्रिपाठी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, अध्यक्ष के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत संगठन मंत्री दयानिधि, कुलसचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, शहर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केवी गौतम, सौदामिनी सेवा संस्थान की डायरेक्ट उषा त्रिपाठी एवं सौदामिनी सेवा संस्थान की संचालिका प्रज्ञा त्रिपाठी, महाविद्यालय निदेशक अनिल मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सौदामिनी कॉलेज की संचालिका प्रज्ञा त्रिपाठी ने अपने स्वागत भाषण से किया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा विगत वर्षों में घटित कोरोना महामारी के भयावह स्थिति में नर्सिंग स्टाफ द्वारा किए गए कार्यों का मंचन नाटक के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दिव्यराज सिंह ने कहा कि नर्सिंग बेहतर करियर के विकल्प के साथ साथ सेवा और समर्पण का विकल्प है। इसी प्रकार कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने कहा कि आज नर्सिंग के छात्र लगातार सेवा भाव के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत संगठन मंत्री दयानिधि ने कहा कि नर्सिंग के छात्रों में आज जिस प्रकार सेवा का भाव विकसित है, वह कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है और समाज में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसे समझने की आवश्यकता है। वहीं रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नर्सिंग के सभी नवप्रवेशित छात्रों को एक नई ऊर्जा, नए भाव से समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आभार ज्ञापन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुमन सिंह ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी स्टाफ, शहर के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लॉक 24 न्यूज़।